UPSC results have just got out and I am with someone who's got the third rank in the UPSC exams. I welcome Junaid Ahmad on Rajya Sabha Television. Junaid, first I should congratulate you. So a very, very big congratulations. Thank you, ma'am. So is this really a wow moment for you, and you were expecting this for a long time, I believe? Preparation to chal raha tha. Last year I got Indian Revenue Services. But third rank expect नहीं किया था तो overwhelming है बहुत मेरे लिए भी और काफ़ी खुशी का वो है अभी तो sink in करने में थोड़ा टाइम लगेगा बट काफ़ी अच्छा है कल जब से रिजल्ट निकला है मेरे ख्याल से आपका फ़ोन तो मैं लगा रही थी तो तब से बहुत बिजी आ रहा है यस मैम कंटिन्यूस कॉल्स आ रहे हैं एक तो फैमिली फ्रेंड्स के उन लोगों को सबसे ज़्यादा खुशी होती है प्लस लोगों को भी ये रहता है कि मीडिया में लोग इंस्पायर हों उनके लिए इंटरव्यूज़ करने का तो उनका भी था तो इसी में थोड़ा बिजी चल रहा था आप किसको क्रेडिट इस समय देना चाहेंगे लोग अपने टीचर्स को पेरेंट्स को एक बहुत बड़ा बैकअप और सपोर्ट सिस्टम होता है तभी आप इतनी बड़ी एक जो अचीवमेंट है वो आप हासिल कर पाते हैं लेकिन आप इसका मेजर क्रेडिट किसे देंगे पेरेंट्स सबसे पहले तो क्रेडिट उन्हें ही जाता है कॉन्स्टेंट एक सोर्स ऑफ सपोर्ट रहे हैं क्योंकि 13 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और अभी 19 है 5-6 ईयर्स का लॉन्ग टाइम था उसके बाद टीचर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी ग्रूमिंग में स्टडीज़ में सब कुछ में वो भी एक कांस्टेंट सपोर्ट रहे हैं पूरे फेज में तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट इस प्रिपरेशन में मेरे लिए 2013 से आप ये कोशिश कर रहे हैं अब आपने जाकर 2019 में से क्लियर किया है तो ये जो 5 साल का जो पीरियड था अगर मैं बहुत ही छोटे शब्दों में पूछूँ तो आपने कितने घंटे पढ़ाई रोज़ की थी एक्चुअली स्टार्टिंग में इट टेक्स टाइम क्योंकि आपको एक बेस बनाना पड़ता है तो स्टार्टिंग में 8-10 आवर्स लगते थे बट वो भी डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कुछ लोग बहुत जल्दी चीज़ें ग्रास्प कर लेते हैं और बाद में इजी हो जाता है जैसे अभी तो मैं लास्ट 2-3 ईयर्स में 4-5 घंटे में चीज़ें कवर अप हो जाती थी तो अल्टीमेटली वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं और वो कर रहे हैं लेकिन एक जो धारणा है कि आपको एक किताबी कीड़ा बनना पड़ता है अगर आपको आईएएस में आईएएस क्वालिफाई करना है और आप लोग तो टॉपर्स हो तो आप क्या ये सही बात है कि बिल्कुल किताबी कीड़ा आपको बनना पड़ेगा कुछ हद तक मैं बोलूँगा क्योंकि थोड़ा सा सोशल डिस्कनेक्ट आपको रखना पड़ता है प्रिपरेशन के टाइम बट बिल्कुल आप अपने आप को लॉक नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको मेंटल प्रेशर देता है मैं अपनी बात करूँ तो मैंने रूटीन में अपने जिम भी रखा है स्पोर्ट्स भी रखे हैं ताकि फिजिकली भी फिट रह सके तो मैं तो यही बोलूँगा कि एक ओवरऑल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है तभी आपकी पढ़ाई भी अच्छी होती है और ये मूवीज़ देखना फ्रेंड्स के साथ गपशप करना ये सब के लिए टाइम मिल जाता था मूवीज़ तो मैं बहुत देखता हूँ और लेकिन फ्रेंड्स के साथ ये है कि आप कैसे प्रोडक्टिव आप कन्वर्सेशन करते हैं वो अच्छा रहता है क्योंकि आपका ग्रुप अगर एक कॉम्पिटेटिव वो है आप डिस्कस कर लेते हैं चीज़ों को तो वो गपशप भी आपके एग्ज़ाम के लिए बेटर हो जाती है तो वो एक बहुत बड़ा पड़ाव आपने अपनी ज़िंदगी का क्रॉस किया है और अब जो एक जो ब्यूरोक्रेटिक सर्विसेज होती हैं उनके अलग चैलेंजेस हैं बड़ी पोस्ट के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं ज़िंदगी में और जितना मैं आपको क्या बताऊंगी आप मेरे ख्याल से ज़्यादा जानते होंगे कि जो जिस तरीके की जो ट्रांसफ़र्स पोस्टिंग्स और जो चैलेंजेस हैं इस जॉब्स से रिलेटेड उसके लिए आप कितना तैयार हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली और मेंटली भी आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है सो आर यू रेडी टू टेक अप दोज चैलेंजेस ब्यूरोक्रेसी की अगर बात करें वो एक पार्ट है ट्रांसफ़र्स एंड चैलेंजेस और आप आते हो अगर सिविल सर्विसेज में तो बेस्ट पार्ट उसका यही होता है कि आपको इतना डाइवर्स डोमेन्स मिलते हैं वर्क करने के लिए और अगर ट्रांसफ़र भी है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ पनिशमेंट है या कुछ है आपको एक नया एरिया मिलता है वर्क करने के लिए तो आई थिंक वो पर्सपेक्टिव होता है कि आप उसको कैसे लेते हो तो जो लोग उसको एक अच्छे पर्सपेक्टिव में लेते हो वो डेफिनेटली अच्छा उसके लिए कर पाते हैं एक आखिरी सवाल कि सबसे बड़ा फोकस आपका क्या होगा व्हेन योर एंटायर ट्रेनिंग इज ओवर एंड व्हेन यू एक्चुअली कम टू द ग्राउंड टू स्टार्ट वर्किंग अमंगस्ट द पीपल सबसे पहला फोकस आपका क्या होगा आई थिंक मेरे लिए एक्सेसिबिलिटी लोगों के होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने फील किया है लोग एक डिस्कनेक्ट फील करते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट से उन्हें लगता है कि उनके एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाती है इतना तो मैं जितना ज़्यादा अपने आप को अवेलेबल कर पाऊँगा लोगों के लिए वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा Wish you all the best, Junaid. It was a pleasure talking to you. Thank you, ma'am.